और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, अयोध्या से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इस पर मोहर लगाने की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार को श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन करना है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसी आधार पर अब ट्रस्ट का ऐलान किया जाना है। इस ट्रस्ट में कौन कौन शामिल होगा, इस बात की जानकारी मिल सकती है। 3 महीने का वक्त दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जाहिर सी बात है कि अब वक्त निकल रहा है। ऐसे में अहम बैठक कैबिनेट की, जिसमें इस बात पर फैसला लिया जाना है कि इस ट्रस्ट में कौन कौन होगा, वो कौन कौन से नाम होंगे अयोध्या के जो इसमें शामिल होंगे, कौन कौन से अखाड़े होंगे, कई अखाड़े हैं अयोध्या में, और उन अखाड़ों में से किस किस सदस्य को इस ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा। क्योंकि जब तक ट्रस्ट का निर्माण नहीं हो जाता तब तक मंदिर के निर्माण कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। जबकि कई बार हमने देखा है कि गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कई रैलियों में कि जल्द ही राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ कोर्ट ने जो एक वक्त निर्धारित किया था वो वक्त भी अब खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल विद्या, 9 फरवरी आखिरी वो अंतिम तारीख होगी, अब सिर्फ 4 दिनों का वक्त और बाकी रह गया है। ऐसे में ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा, और सभी की निगाह इस पर लगी हुई है कि आखिर क्या कुछ आज इस पर निकल कर आता है। मधुरेंद्र कुमार इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विस्तार से जानकारी देने के लिए। मधुरेंद्र, क्या लगता है, क्या, क्योंकि अब वक्त जो है वो कम ही रह गया है, इसकी मियाद पूरी होने में सिर्फ 4 दिन का वक्त बाकी है, क्या कैबिनेट में इस बात को लेकर भी चर्चा हो सकती है? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी में पहले मिली थी उसके मुताबिक सरकार में ही एक समूची जो कैबिनेट है दरअसल उसकी एक कमेटी काम कर रही थी जो कि इस ट्रस्ट के निर्माण और किस तरह से राम मंदिर बनेगा इन तमाम चीज़ों की रूपरेखा तय कर रही थी। चूंकि संसद का सत्र चल रहा है लिहाजा ये घोषणा इस सत्र के मुताबिक सदन पटल पर सरकार को करनी होगी। जो नरसिम्हा राव के समय में एक्ट बना था उसी एक्ट के तहत इस ट्रस्ट का गठन होना है। अब इस ट्रस्ट में सरकार किसको शामिल करती है, क्योंकि जैसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसमें सिर्फ किसी एक संगठन या सरकार से नहीं बल्कि समाज के विभिन्न हिस्सों से लोगों की भागीदारी होनी चाहिए जो कि इस मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करें। 67 एकड़ जमीन है उसके अधिग्रहण का मसला है, 5 एकड़ जमीन जो है वो यूपी वक्फ बोर्ड को देनी है। तो ये तमाम मसलों के लिए इस ट्रस्ट का निर्माण होना बेहद जरूरी है। जैसा कि आपने खुद ही बताया 9 तारीख आखिरी डेट है, 3 महीने का वक्त दिया गया था सरकार को, ये वक्त और मियाद पूरी होने वाली है और इसी मियाद के बीच समूचा तय होना है। सरकार की तरफ से ये भी संकेत दिए गए हैं कि पार्टी की तरफ से कोई इसमें शामिल नहीं होगा, और ऐसे में देखना है कि बीजेपी से कौन इसमें आता है, क्या ट्रस्ट में कौन कौन होगा, इस बात की कितनी उम्मीद है कि इसका ऐलान आज हो सकता है, इसकी जानकारी आज दी जा सकती है? देखिए, जाहिर है कि 9 तारीख आखिरी एक तरह से तय डेडलाइन है, तो उसके पहले सरकार को इस बात की घोषणा करनी है। चूंकि आज कैबिनेट की बैठक है और वीकली कैबिनेट की बैठक जो है वो बुधवार को होती है, यानी आज के बाद एक हफ्ते बाद होगी। जबकि सरकार के तारीख की अगर हम बात करें तो ये तारीख जो है इसी वीक में खत्म हो रही है, लिहाजा सरकार मतलब आज घोषणा कर सकती है, सदन पटल पर इस बाबत जानकारी दे सकती है, नोटिफिकेशन इस बाबत जारी हो सकता है। सरकार की तरफ से बैठक के बाद कुछ नाम बताए दिए जाएं या फिर ट्रस्ट का जो खाका है उसके बारे में कुछ जानकारी दी जाए।